हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ योर अनुप्रिया मैम विथ अ न्यू वीडियो. सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ चैप्टर 5, दैट इज अंकल आउल. जो आप लोग का चैप्टर है 5 अंकल आउल, उस चैप्टर का मैं क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. सो लिसन केयरफुली एवरीवन. सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट. ओके, क्वेश्चन ए. क्वेश्चन ए में आप लोग देख रहे हैं, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर दीज सेंटेंसेस. यहाँ पे जितने सेंटेंस है उसके लिए टी लिखना है ट्रू के लिए, जो सही है उसके लिए, और एफ लिखना है जो फॉल्स है उसके लिए. ओके, तो वन बाय वन हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर वन, द विलेज वॉज बिसाइड बाय कैट्स. बिसाइड मीन्स क्या होता है, घेर लेना होता है. ठीक है, घेर लिया. तो जो विलेज है, विलेज को कैट के द्वारा घेर लिया गया था? नहीं. तो किसके द्वारा घेर लिया गया था? रैट के द्वारा. रैट्स, बहुत सारे रैट्स थे तो उनके द्वारा घेर लिया गया था. तो ये क्या है, ये फॉल्स है. ओके, द टू यंग मैन हैड टू ट्रैवल अ लॉट बिफोर दे फाउंड अंकल आउल. द टू यंग मैन हैड टू ट्रैवल अ लॉट बिफोर दे फाउंड अंकल आउल. जब तक वो लोग अंकल आउल को फाइंड नहीं कर लिए थे, दो मैन, तो वो लोग को बहुत ज़्यादा चलना पड़ा था, ट्रैवल करना पड़ा था. तो यस, इट इज़ ट्रू. तो पहला क्या है, फॉल्स है, और दूसरा क्या है, ट्रू है. थर्ड, अंकल आउल रिफ्यूज टू हग द टू यंग मैन. अंकल आउल जो थे, वो दोनों यंग मैन जो गए थे, उनको रिफ्यूज कर दिए कि उनकी मदद नहीं करेंगे. तो ये फॉल्स है, क्योंकि वो उनकी हेल्प किए थे. ओके, सो इट इज फॉल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द बनियान ट्रीज इन द विलेज वॉज फुल ऑफ पैरट्स. जो बनियान ट्रीज था, जो बर्गर का ट्री था विलेज में, तो क्या वो पूरा पैरट से भर गया था? तो नहीं, वो किससे भरा था? आउल से. तो ये क्या है, ये भी फॉल्स है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, Everyone stayed inside their homes that night. क्या सारे लोग उस दिन अपने घर में थे? तो नहीं, सारे लोग थे लेकिन दो लोग नहीं थे. तो इसको आप लोग फॉल्स करेंगे. Everyone stayed inside their home that night. तो yes, sorry, no. आप लोग फॉल्स इसलिए करेंगे क्योंकि वो जो दो आदमी थे वो बाहर थे. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर बी आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर बी में कुछ सेंटेंस दिया गया है, उसको रीड करना है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया है, तो उसको आप लोगों को बनाना है. सो क्वेश्चन नंबर 1, ही लिव्स फार अवे इन द हिल्स बियॉन्ड द रिवर बट वी कैन फाइंड हिम इफ यू लेट अस. तो जैसा कि आप लोग के बुक में एक लाइन था कि दो यंग मैन क्या बोलते हैं कि वो कहाँ रहते हैं, हिल्स पे रहते हैं, बियॉन्ड द रिवर, रिवर के बाद वो रहते हैं, बट हम लोग फाइंड कर लेंगे अगर आप इजाज़त देंगे तो. ठीक है, तो इससे क्वेश्चन नंबर 1 है इसी पैराग्राफ से, हु इज़ ही इन दिस सेंटेंस, कि इस सेंटेंस में ही कौन है. मींस कि ही लिव्स फार अवे, वह फार अवे रहते थे हमारे विलेज से. तो ये किसके बारे में बात हो रहा है, यहाँ ही कौन है? तो यहाँ ही है अंकल आउल. ठीक है, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. क्वेश्चन नंबर बी, वाई वॉज ही टू बी फाउंड. ही को किस लिए फाउंड करना था? तो ही को इसलिए फाउंड करना था क्योंकि विलेज में बहुत सारे रेड्स आ गए थे, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो उनकी मदद के लिए उनको फाइंड करना था. ठीक है, हु आर वी इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में वी कौन है. जैसे कि वो दो आदमी बोलते हैं ना, बट वी कैन फाइंड हिम, लेकिन हम लोग उन्हें फाइंड कर सकते हैं. तो ये वी कौन है, दोनों आदमी यहाँ पे वी हैं. ओके, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, पहला का आंसर है ही इज़ अंकल आउल इन दिस सेंटेंस. इसको आप लोग नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में, स्क्रीन शॉट लेके. ठीक है, Why was he to be found? उनको क्यों ढूंढना था? He was to be found because villagers needed him. क्योंकि villagers को उनकी क्या थी,
बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, विलेजर्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे तो उनको ज़रूरत थी। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या था, हु आर वी इन दिस सेंटेंस, वी आर द टू यंग मैन, दो यंग मैन जो थे उनको क्या बताया गया है, वी ओके ऑफ विलेज इन दिस सेंटेंस। नाउ पैराग्राफ सेकंड, सेकंड पैराग्राफ आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ एनी वन स्टेप आउट दे विल बी इन ग्रेट डेंजर, अगर कोई भी बाहर निकलेगा तो वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। तो ये कौन बोला था, अंकल आउल बोले थे सारे विलेजर से ओके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू होम, कि इस वर्ड्स को, इस सेंटेंस को किसने बोला और किससे बोला। तो अंकल आउल सेड दीज वर्ड्स टू द विलेजर्स, कि अंकल आउल ने किससे बोला, विलेजर्स से बोला। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु स्टेप्ड आउट एट नाइट, कौन स्टेप्ड आउट कर गए थे नाइट में। तो आप लोगों को पता ही है कि सारे लोग अंदर थे, घर के अंदर थे, बट दो यंग मैन जो थे वो घर से बाहर थे, टू यंग मैन स्टेप्ड आउट एट नाइट। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट वाज स्पीकर गोइंग टू डू, व्हाट वाज द स्पीकर गोइंग टू डू, स्पीकर क्या करने जा रहा था, व्हाट वाज द स्पीकर गोइंग टू डू, द स्पीकर वाज गोइंग टू डू मैजिक। जो स्पीकर, स्पीकर कौन होता है, बोलने वाला जो होता है उसको स्पीकर बोलते हैं। तो अंकल आउल के बारे में बताया गया है कि स्पीकर क्या करने जा रहा था, तो क्योंकि वो मैजिक करने जा रहा था इसीलिए वो सबको बोला था कि घर पे रहना है। तो मैंने शॉर्ट में आप लोगों को लिखवाया है कि द स्पीकर वॉज गोइंग टू डू मैजिक, जो स्पीकर थे वो क्या करने जा रहे थे, मैजिक करने जा रहे थे, इसलिए वो सबको क्या बोले थे, अंदर रहने को बोले थे, घर पे रहने को बोले थे। नाउ कम टू द क्वेश्चन एंड आंसर, आंसर दीज क्वेश्चंस विथ योर पार्टनर, ये जो क्वेश्चन है इनका आंसर करना है अपने पार्टनर के साथ। पार्टनर कौन, जो भी आपके क्लासमेट हैं उनके साथ मिलके आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डिड द विलेजर्स गैदर फॉर अ मीटिंग, विलेजर्स क्यों एक जगह एकत्रित हुए थे, क्यों एक जगह इकट्ठा हुए थे, गैदर किए थे, और वो मीटिंग के लिए, मीन्स मीटिंग के लिए एक जगह क्यों वो उपस्थित हुए थे। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, द विलेजर्स गैदर्ड फॉर अ मीटिंग बिकॉज रैट्स हैव बिकम अ बिग नॉइसेंस फॉर द विलेज, मीन्स कि विलेजर एक जगह इसलिए इकट्ठा होकर मीटिंग किए थे क्योंकि रैट जो थे उनके विलेज के लिए एक बहुत ही बड़ा मुसीबत बन गए थे, इसलिए वो लोग मीटिंग के लिए खड़े हुए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ डिड द रैट्स ट्रबल द विलेजर्स, मीन्स कि जो रैट्स थे वो विलेजर्स को कैसे परेशान कर रहे थे, कैसे ट्रबल में डाल रहे थे। द रैट्स ट्रबल द विलेजर्स बाई स्पॉइलिंग देयर व्हीट, स्टीलिंग देयर क्रॉप्स एंड चेविंग होल्स इन देयर क्लोथ। तो रैट्स जो थे कैसे उनको ट्रबल में डाल रहे थे, कैसे विलेजर्स को परेशान कर रहे थे, उनके गेहूं जो खेत में हुए थे उसको क्या कर रहे थे, वो लोग स्पॉइल कर रहे थे, बर्बाद कर रहे थे, क्रॉप्स की चोरी कर रहे थे और उनके कपड़ों में होल कर दे रहे थे, इस तरीके से वो लोग क्या कर रहे थे, विलेजर्स को तकलीफ दे रहे थे। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेयर डिड अंकल आउल लिव, अंकल आउल कहाँ रहते थे। तो आप लोगों को सबको पता है, जो क्वेश्चन पढ़े होंगे उनको पता है कि अंकल आउल कहाँ रहते थे। अंकल आउल लिव्ड फार अवे इन द हिल्स बियॉन्ड द रिवर, अंकल आउल हिल पे रहते थे जो कि विलेज से दूर था, ठीक है, रिवर के बाद एक हिल था उस पे रहते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे जो मैंने ये चैप्टर एक्सप्लेन किया है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहां से इसको देख सकते हैं ओके। क्योंकि आप लोग जब चैप्टर पढ़ लेंगे ना तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट डिड अंकल आउल टेल द विलेजर्स, अंकल आउल ने विलेजर्स को क्या बोला।
तो आप सबको पता है कि उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला था कि आप सबको घर में रहना होगा, अगर कोई भी बाहर निकलेगा तो वो बहुत ही बड़ा डेंजर में पड़ सकता है, उसे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अंकल आउल टोल्ड द विलेजर्स दैट ऑल द रैट्स विल डिसअपियर फ्रॉम दिस विलेज, सारे रैट जो हैं इस विलेज से डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। बट रिमेंबर, लेकिन आप लोग को एक चीज़ का ध्यान देना होगा, एवरी वन मस्ट स्टे इनसाइड देयर होम्स, सबको अपने अपने घरों में रहना होगा, अपने अपने घरों में अवश्य रहना होगा। इफ़ एनी वन स्टेप आउट दे विल बी इन ग्रेट डेंजर, अगर कोई भी बाहर निकलेगा तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द टू यंग मैन सी एट नाइट, दो मैन ने रात में क्या देखा। तो आप सबको लास्ट में मैंने बताया था, जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था कि वो दोनों ने क्या देखा, द टू यंग मैन सॉ अंकल्स आउल ऑरेंज सॉल हैज ड्रॉप टू द ग्राउंड एज ही स्टैंड बीनीथ द ट्री। ठीक है, मीन्स कि दोनों यंग मैन ने क्या देखा कि अंकल आउल का जो ऑरेंज कलर का सॉल है वो ग्राउंड पे नीचे ट्री के नीचे गिर गया है और वो वहीं पे खड़े हैं। हिज बॉडी इज कवर्ड विथ बर्ड्स फीदर, उनका जो बॉडी था वो पूरा का पूरा बर्ड चिड़ियों के पंखों से कवर्ड था। हीज लेग्स लुक लाइक अ बर्ड्स, और उनका पैर जो था वो बर्ड के पैर की तरह दिख रहा था। एंड हेड लाइक एन आउल्स, और उनका जो सर था वो एक उल्लू की तरह दिख रहा था, आउल की तरह। ही हैज़ टू बिग विंग्स इंस्टीड ऑफ हैंड्स, इंस्टीड मतलब होता है के बदले में। ओके, तो ही हैज़ टू बिग विंग्स मतलब कि उनके दो लंबे लंबे पंख थे हाथ के बदले में। द आउल्स ड्रॉप द रेट इन टू द ऑरेंज सॉल, सारे आउल्स ने ऑरेंज सॉल पे रेट्स को डाला, एज इफ बाई मैजिक इट फोल्ड्स अप एंड द रेट डिसअपियर इन टू द सॉल, और मैजिक से वो सॉल जो है वो फोल्ड हो गया, और फोल्ड होने के बाद सारे जो रेट्स थे वो डिसअपियर हो गए सॉल में, मतलब कि सॉयल में, मिट्टी में वो गायब हो गए। ठीक है, तो ये आप लोग का क्वेश्चन आंसर है, होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।